हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कृतार्थ गेमर्स। तो आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे 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 ज़्यादा बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। वो वक्त था जब मैं एक छोटा बच्चा था। तो आज से बहुत साल पहले मैं अपने टॉय कार के साथ दुनिया एक्सप्लोर कर रहा था। फिर एक रात एक सुनसान से रास्ते पे मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। फिर और क्या था, मैंने बोरिया बिस्तर निकाला और मैं सो गया। लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी एकदम से आसमान के रंग अपने आप बदलने लगे। मैं उठा और मैं बहुत घबरा गया कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने जब सामने देखा, OMG, ये कितनी बड़ी मशीन है, ये क्या है? फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा जल्द से जल्द और मैंने गाड़ी मोड़ी। लेकिन जैसे मैंने गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तभी ये क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही, ये चीज मैं कब अपने पास खींच रही है, ओह शिट, ओह नो, ये मेरी गाड़ी को क्या हो रहा है। फिर एकदम से मेरी नींद खुली और मैं किसी अनजान सी जगह पे था। फिर मैंने वहाँ पे एक साइन पढ़ा और देखा कि ये तो कब्रिस्तान है। फिर मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँचा और मैंने देखा 12 बज रहे, तो मैं सो गया। पर जैसे ही मैं सोया, ये क्या हुआ, ये कौन सी जगह है, ओह शिट, व्हाट, ये मॉन्स्टर भी आए, ओह नो, आ ये क्या हो रहा है, मैं तो अनस्टेबल हो रहा हूँ, आ आ। फिर उस दिन से हर रात मेरे को वही सपना आने लगा, बार बार लगातार। पर हर साल मेरे पास तीन ही सवाल होते थे, मेरे को ये सपने क्यों आ रहे हैं, वो चीज़ कौन है, क्या वो हमें दूसरी दुनिया से मिलाती है। और जब भी मैं उसके बारे में सोचता, मेरे दिमाग में इतनी ही डरावनी तस्वीर आती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।